तो कैसा है बच्चा लोग? जेई वालों पढ़ाई शुरू है राइट? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा वक्त हम नहीं गंवाने वाले हैं इस पर। इफ सवाल पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल है आपके सामने। आप एग्ज़ाम में बैठे हो, पढ़ाई करके आए हो, सवाल आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, आपको सॉल्व करके ऑप्शन टिक करना है। ये सिचुएशन है, तो आप क्या करोगे? आप पहले सवाल तो पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई टू इज इक्वल टू अल्फा, वेयर -1 एक्स है -1 से 1 तक, वाई है -2 से 2 तक, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई बाई टू, देन फॉर ऑल एक्स वाई, ये प्रूव करना है। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे ये देख के कौन सा फॉर्मूला याद आता है रे? एक फॉर्मूला जो है वो आपको याद आना चाहिए यहाँ पे। कौन सा? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 - x² 1 - y² क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बस x की जगह पे तो x ही है, लेकिन y की टर्म जो है यहाँ पे y है और यहाँ पे y बाई टू है, मैं बस यहाँ पे y की जगह पे y बाई टू रिप्लेस कर देता हूँ। तो कैसे बनेगा ये कॉस इनवर्स? ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी। इसके लिए अगर ये है तो इसके लिए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई बाय टू होगा। क्लियर? एक्स की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे वाई बाय टू रख रहे हैं, ये एज इट इज। और यहाँ पे वाई का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम वाई बाय टू का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय फोर। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है अल्फा, तो इसको इधर उधर सिंप्लीफाई करके एक साइड में हमको ये लाना है, राइट साइड में जो भी होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान से करना है। ओके, तो कॉस इनवर्स को मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो कैसे हो जाएगा, एक्स वाई बाय टू, एक्स वाई बाय टू उसको भी मैं उधर लेके जाता हूँ, या फिर पहले इसको लेके जाते हैं वन माइनस ये फोर, अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये 4 - y² अपॉन 4, ऐसे देखिएगा। क्लियर? इज इक्वल टू कॉस अल्फा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, या फिर उसके पहले हम, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो स्क्वेयरिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये एक्स वाई, या फिर कॉस अल्फा -xy/2 हो जाएगा, राइट? इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है? और ये जो है इस साइड में, लेकिन लिखते समय मैं इस साइड में लिखता हूँ, क्लियर? ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, और एक्स वाई बाय इधर माइनस हो जाएगा उसको यहाँ पर लिखा है, बस इतना ही है। तो स्क्वायरिंग करना है मुझे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, कॉस अल्फा -xy/2 का स्क्वायर बराबर इज इक्वल्स टू, ये टू हम इधर भी लिख सकते हैं ऐसे, और इधर भी सबके लिए टू हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम करके, ठीक है? इक्वल्स टू, इसका स्क्वेयरिंग करने के बाद इनके रूट क्या होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, रूट गायब होने वाले हैं, और यहाँ पे फोर तो है ही, ये फोर है, ठीक है? तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं ये फोर, ये टू का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे फोर ही है। टू का स्क्वायर क्या बनने वाला है, फोर, या फिर स्क्वायर कर लेता हूँ मैं पहले,
चलो स्क्वायर कर लेते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर करना है बराबर। पहले क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिखते हैं। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, इसका स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर का, एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टू ए बी माइनस टू ए बी बराबर, माइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा अपॉन ए फोर, और ए फोर काट देता हूँ मैं बराबर, टू का स्क्वायर फोर ही होने वाला है, इज इक्वल्स टू, इसका इक्वल टू आगे क्या होगा, वन इंटू फोर, फोर वन इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फोर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, कुछ कट होता है तो कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, फोर एक्स स्क्वायर बराबर लेफ्ट साइड में चाहिए, तो ये फोर एक्स स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। ओके, और क्या चाहिए, माइनस फोर एक्स, फोर एक्स वाई कॉस अल्फा, वो तो है ही, इधर ही रखता हूँ उसको। ओके, और क्या चाहिए, प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला वाई स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, और बाकी जो भी है ना उसको राइट साइड में लेके जाते हैं, जिस क्योंकि हमको वो राइट साइड में चाहिए, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये क्या हो जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर अल्फा उधर जाएगा, इधर तो क्या बचा है, सिर्फ फोर बचा है, ये दोनों को मैं इस साइड में लेके आया हूँ, और ये फोर कॉस स्क्वायर अल्फा अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये फोर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर होता है। दिस इज द फाइनल आंसर, फोर साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो मैंने कैसे सोचा, मैंने क्या किया भाई, ये देख के मुझे ये फॉर्मूला तो याद आ गया, क्योंकि मेरा पढ़ाई जो है परफेक्ट है, मैं ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं गया हूँ, मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़े परफेक्ट 100% किया है, इसलिए जैसे ही मैंने ये देखा तो उसको मैच होने वाला फॉर्मूला मुझे याद आ गया, तो मैं समझ गया भाई, x की जगह पे x ही रखेंगे और यहाँ y की जगह पे y बाई टू रखने के बाद एज इट इज़ मुझे ये मिला, और इक्वल टू क्वेश्चन में अल्फा दिया था, कॉस इनवर्स उधर गया, कॉस इनवर्स उधर कॉस बन गया बराबर। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि रूट गायब करने के लिए मुझे स्क्वायर तो करना ही है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता तो ए प्लस बी स्क्वायर बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए स्क्वायर आसान हो जाए स्क्वायरिंग, इसलिए मैंने ये टर्म इधर लेके गया, क्योंकि इसका ए माइनस बी होल स्क्वायर करना आसान हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये आसान बन जाता, इसलिए ये टर्म मैं उधर लेके गया, फिर स्क्वायरिंग किया, तो इधर तो बहुत आसान हो गया, सिर्फ रूट हटाने हैं मेरे को, मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए, और इधर भी इतना मुश्किल है नहीं ए माइनस बी होल स्क्वायर करना, तो ऐसे कर दिया बराबर। तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, ये तीन टर्म्स जो है उसमें मैं एक साइड में लेके आया लेफ्ट साइड में, और जो भी राइट साइड में बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए दिखा मुझे, तो ये तो है नहीं ऑप्शंस में बराबर, तो फोर तो कॉमन ले सकते हैं, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो यह ऑप्शन में है। क्लियर, इस तरह से सोचना है तो आपका जवाब परफेक्ट आएगा, और गारंटी के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिक करके जो भी है उसको सिलेक्ट करके आना है। क्लियर।